हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 सिप्रस में होने वाले आज के आखिरी मुकाबले की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन मुकाबले थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ड्रीम इलेवन ने प्लान कर रखा था कि शायद वो भैया यहाँ मतलब 3 घंटे के लिए डाउन करेंगे वेबसाइट को, मतलब अपनी एप्लीकेशन को, पर नहीं कर पाए वो, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे एक तो सिप्रस के इस वजह से, और यहाँ पर 1:45 से इनको 4:45 तक जाना था, पर वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इनका जो मैच होने वाला है उस वजह से, और यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि जब ये मैच शुरू हो जाए ना, और उसके बाद इनके पास बीच में 3 घंटे का स्लॉट बचता है, तो शायद उस स्लॉट में ड्रीम इलेवन आपको ना चलती हुई दिखे। बहुत कम चांसेस हैं वैसे ऐसे, क्योंकि कल जब इन्होंने सोचा था कि भैया हम जाएंगे, तो उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर अपना जो है नोटिफिकेशन दिखा दिया था, पर अब यहाँ पर वो नोटिफिकेशन हटा दी गई है। तो मतलब यही है कि अब ये नहीं जाने वाले हैं, डाउन नहीं होने वाली है ड्रीम इलेवन की ऐप कुछ घंटों के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ श्रीलंका लायंस की, तो श्रीलंका लायंस अपना पहला मुकाबला अभी खेल ही रही है। अभी इनका मतलब पहला मुकाबला जो चल रहा है वहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं ये, और इतनी बेकार बॉलिंग कर रहे हैं कि आप देखो भैया सामने वाली टीम ने 125 रन बना दिए हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है अताउल्लाह, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर इनके बैट्समैन की रही है। यहाँ पर मतलब रायन सीसी की अगर मैं बात करूँ, अताउल्लाह, शोएब रियाज, शोएब अहमद, दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर जो बहुत बढ़िया अभी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका लायंस की अगर मैं बात करूँ तो इनका बैक टू बैक दूसरा मुकाबला है, और सिप्रस ईगल्स की अगर मैं बात करूँ, इन्हें चेंजेस बहुत ज़्यादा करे आज, वो चेंजेस थे भी मतलब ठीक, बढ़िया चेंजेस करे हो ना, उसमें चेंजेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्लेयर लेकर आए जिनने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, पर वो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, और यहाँ पर जो है ये हार गए अपना पिछला वाला मैच, रियान सीसी के खिलाफ ही हारे हैं। वो अभी मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दूंगा। श्रीलंका लायंस का तो एक ही मुकाबला अभी तक कंप्लीट हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा मतलब दूसरा भी चल रहा है, तीसरा हमारे पास ये है, तो इसीलिए सीधी सीधी टीम की बात करते हैं। सिप्रस के भी 2 ही मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, उसमें आपको एक का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली जो वीडियो थी उसी में आपको पता लग गया था भैया कौन कौन से मतलब क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस सही थी। दूसरा मुकाबला ज़्यादा बढ़िया इनका रहा नहीं, और तीसरा मुकाबला जो है अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभी तक आपने हीरो CPL T20 का मुकाबले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो जाके, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, हर एक प्लेयर के बारे में बताया है आपको, और यहाँ पर सारी की सारी अपडेट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आयरलैंड इंटर प्रोविजनल T20 कप जो हो रहा है, उसमें जो ये आज का मुकाबला, शायद ये भी मैं कवर करूं अगर ड्रीम इलेवन डाउन ना हुई तो। अभी इसी मुकाबले के बाद मैं इसी के ऊपर फोकस करने वाला हूं, उसके बाद हीरो CPL का जो दूसरा मुकाबला है वो आपको मिल जाएगी, ये जैसे ही ये लाइव आएगा उसके थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद आपको लाइव वो मिल जाएगी वीडियो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मुकाबले की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ही के सामने टीम बना रहा हूँ, टीम नहीं बनाई है, यहाँ पर आपको लाइनअप दिखा रहा है पर लाइनअप पूरी नहीं आई है, ठीक है। अगर लाइनअप पूरी आ जाती तो आपको फाइनल टीम ही यहीं पर प्रोवाइड करवा देता, पर वही वाली बात है, यहाँ पर श्रीलंका लायंस की लाइनअप नहीं आई है, मेन दिक्कत ये है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर हैं, सी साधुन बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा के देगा आपको। अभी पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, वो तो देखो एक ही विकेट चटकाई है और किसी प्लेयर ने विकेट चटकाई नहीं है, तो श्रीलंका लायंस का पिछला मुकाबला तो आप छोड़ ही दो कि पिछला मुकाबला कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता वो श्रीलंका लायंस टीम जीत पाएगी ये वाला मुकाबला। जीत कौन सकती है? अब जीत सकती है रियान सीसी की टीम ही जीत सकती है, और तो कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर जो है दूसरी टीम हमें जीतती हुई दिखे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास एन पथिराना एक बहुत बढ़िया पिक रह सकते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो एन पथिराना को, एन पथिराना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक है एन पथिराना रहने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है एस अरंकला हैं, ये एक प्लेयर शायद प्लेइंग 11 में हमें आता हुआ दिख जाएगा, नहीं तो अगर ये हरप्रीत सिंह आ जाना बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं तो इसे भैया हरविंदर सिंह है, इसे मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा अपनी टीम में, बहुत बढ़िया अपनी टीम के लिए परफॉर्म, पंजाब लाइन के लिए खेलता था, पंजाब लाइन के लिए बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म करा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में सी साधुन ने क्या करा है वो मैं आपको एक सेकेंड में बता रहा हूँ, बस सी साधुन ने यहाँ पर जो है
सीसादून ने दो ओवर करवाए और यहाँ पर 17 रन दिए हैं। सबसे कम इकोनॉमी इसी प्लेयर की रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। एम गमागे एक ऐसा प्लेयर जिसने विकेट चटकाई है, वो ग्रैंड लीग की चॉइस था, स्मॉल लीग की था ही नहीं। फिर उसके बाद एम खान हमारे पास हैं, जेड सरवार, दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड सरवार पहले वाले मैच में नहीं खेला था, अब वापस आ गया। उसके बाद एम रानी मखेला की अगर आप बात करो, ये ग्रैंड लीग में रहने वाला है। टी अलोरी आपके पास ग्रैंड लीग में रहने वाला है, पर ये खेल ही नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे के प्लेयर आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। BLS कुमारा आपको ओपन करता हुआ दिख जाएगा, अभी के मुकाबले में भी ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पर के शनका आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा, पर अगर आप चार बैट्समैन लेकर जा रहे हो तो उससे बढ़िया तो 1, 2, 3 और यहाँ पर ये चौथा रानी मखेला आपके पास बढ़िया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आर पुलरोही एक बहुत बढ़िया है, यहाँ जी सिंह, दोनों जी सिंह बढ़िया हैं यार। अब ये पहले मैच में नहीं चले तो इसका ये मतलब नहीं है, गुरप्रताप सिंह पहले मैच में नहीं चला इसका ये मतलब नहीं है दूसरे मैच में नहीं चल सकता है। अब हम एक लंकी के ऊपर ज़्यादा फोकस आप क्यों करोगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भैया इसने पिछले मैच में चटकाई हैं विकेट्स, और अगर आप इस हिसाब से लेकर जा रहे हो एम एक लंकी को तो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास चार ही ऑलराउंडर हैं यहाँ पर देखो तो भैया, चारों के चारों आप पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऑलराउंडिंग सेक्शन में हमें पिक करने में। यहाँ पर बस क्रेडिट पॉइंट का इशू देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डी पर्यंत हमारे पास हैं, फिर उसके बाद के सिंह, कुलविंदर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए, ऊपर मतलब पिछले मैच में भी इसने हिटिंग करके दिया है। उसके बाद यहाँ पर डी पथिराना, हो सकता है कि भैया ये प्लेयर बढ़िया कर जाए, पहले मैच में 22 की इकोनॉमी के साथ इसने रन खाए, तो अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर दो इसे, हम गमागे को पिक कर लो, वो भी एक बढ़िया प्लेयर हमारे लिए रहने वाला है और क्रेडिट पॉइंट भी हमारे पास बचा के देगा। फिर उसके बाद CECC की अगर आप बात करो, 7 प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो इसलिए हम ले नहीं सकते हैं। ऑलराउंडिंग सेक्शन में अगर आप देखो तो यार हमारे पास श्रीलंका लाइन के प्लेयर ही नहीं है, मेन दिक्कत ये है। यहाँ पर आप देखो तो उसके बाद यहाँ पर सीसादून हमें रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, सीसादून तो मैं लेकर ही जाने वाला था। अब यहाँ पर डीप प्रियांत रख सकते हो, नहीं तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है एम औरंगा का, पर पिछले मैच में नहीं खेला है एम औरंगा, पिछले मैच में जो खेला वो खेला के रियाज, और के रियाज आप पिक कर सकते हो, इसने जो है यहाँ पर 14 की इकनॉमी से रन दिए, तो एक पिक आपके पास के रियाज की हो सकती है। यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूँ, अब देखो भैया मैं तो जाऊँगा गुरप्रताप सिंह के साथ ही, सीधी सी बात है, पहली मैच में नहीं करके गया मुझे कोई मतलब नहीं है, दूसरे मैच में करके दे सकता है, मुझे इस चीज़ से मतलब है। सीसादून आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग प्लस बैटिंग आपको करवा के देगा, प्लस साथ में आप बी कुमारा ट्राई कर सकते हो, दोनों ही प्लेयर बढ़िया हैं, दोनों ही प्लेयर में से किसी भी प्लेयर को, और आपको और भी ज़्यादा सेफ जाना है श्रीलंका लाइन्स का कप्तान वाइस कप्तान रखो ही मत, रखो सीधा मेहरम खान, या नहीं तो रखो एम एकलंकी को, या तो रखो गुरसेवक सिंह को, यह बहुत सेफ के लिए मैं कह रहा हूँ ये अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो सी साधुन, फिर उसके बाद बी कुमारा, ये पिक आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी के लिए जो मैं सेफ जा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है गुरसेवक सिंह को लेकर जा रहा हूँ, तो ये हमारे लिए स्मॉल लीग की टीम हेड टू हेड की टीम हो गई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम अभी मैं आपको एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसी को हम कॉपी करके स्मॉल गेंड लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखो भैया स्मॉल गेंड लीग में जो मैं लेकर जाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आर पुलरोही तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, यहाँ पर जी सिंह भी लेकर जाऊंगा, गुरसेवक सिंह अगर आप ड्रॉप करना चाहो गुरसेवक सिंह ड्रॉप कर सकते हो। अभी के लिए सबसे पहले यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट चेंज करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर अगर आप देखो भैया के रियाज की जगह मैं डी प्रियांत लेकर जाने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर गुरसेवक सिंह की जगह अगर ये नहीं चला तो, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ शायद ये चल जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, मतलब पिछले मैच में ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है, पर श्रीलंका के प्लेयर्स की अगर आप बात करो इतने बढ़िया प्लेयर नहीं है, तो उस हिसाब से आप गुरसेवक सिंह अगर नहीं लेकर जा रहे तो ज़्यादा रिस्क हो सकता है इस प्लेयर के साथ। एम एक लंकी आप ड्रॉप कर सकते हो, इस प्लेयर को रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया सेम टीम आपके लिए बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे दो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर रिस्की कप्तान वाइस कप्तान मैं रखने वाला हूँ, अब उस रिस्की कप्तान वाइस कप्तान की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेरे लिए रिस्की कप्तान होने वाला है वो होने वाला आर पुलरोही, वाइस कप्तान जो मेरे पास होने वाला है वो मैं लेकर जाने वाला हूँ सी साधुन को, या तो अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हो बी कुमारा के साथ जा सकते हो, और कप्तान आप जो चेंज कर सकते हो एम कुमार के साथ एम खान के साथ, अगर थोड़ा सेफ जाना चाहते हो रिस्की जाना चाहते हो तो इसके साथ, और यहाँ पर जेड सरवार भी आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपके ऊपर है कप्तान वाइस कप्तान आप कौन से लेकर जाना चाहते हो। टीम्स आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी जैसे ही दूसरी टीम का श्रीलंका लाइन्स की प्लेइंग 11 आएगी, मतलब तो वो मैं एंड में दूंगा आपको आखिरी के 15 मिनट में, पर अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है CPL की तो वो आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगी, वहीं से आपको देखनी है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।